लॉकअप की बात करें तो लॉकअप को खत्म हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक लॉकअप की चर्चाएं काफी ज्यादा जोरों शोरों पर हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, बात करें अगर लॉकअप की तो लॉकअप में एक जोड़ी अंजलि और मुनव्वर की जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा फेमस हुई थी और इसी के साथ उनका एक हैशटैग बन गया था मुंजलि। लेकिन आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप से बाहर आते ही लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट दे दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को सभी से इंट्रोड्यूस करा दिया और इसके साथ ही उन्होंने एक रोमांटिक मिरर सेल्फी जो है वो पोस्ट की और इसके साथ सभी को पता चल गया कि आखिर मुनव्वर फारूकी किसको असल में डेट कर रहे हैं। नाजिला का चेहरा सबके सामने आया और सभी ने देखा कि नाजिला के लिए मुनव्वर फारूकी का कितना ज्यादा प्यार है। लेकिन इसके साथ आपको ये बता दें कि लॉकअप से बाहर आते ही तमाम कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने इंटरव्यूज में अपने अपने अकॉर्डिंग बातें करी और एक दूसरे को जो उन्होंने फील किया एक दूसरे के लिए लॉकअप में वो सारी बातें भी शेयर करी। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो लोगों का ध्यान था वो था अंजलि अरोड़ा और मुनव्वर फारूकी के इंटरव्यूज पर। तो आपको बता दें कि हाल ही में अंजलि अरोड़ा ने मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड नाजिला को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है जिसकी आज मैं आपको ये बड़ी अपडेट बताने वाली हूँ। आपको बता दें कि अंजलि अरोड़ा ने आखिरकार मुनव्वर की गर्लफ्रेंड नाजिला पर चुप्पी तोड़ी है और आखिरकार उन्होंने बताया है कि आखिर उन्हें नाजिला की पर्सनैलिटी कैसी लगती है या फिर इन पर्सन नाजिला कैसे इंसान है। आपको बिना देरी के मैं बता देती हूँ कि एक इंटरव्यू में अंजलि ने कहा है कि नाजिला काफी ज्यादा क्यूट है और वो नाजिला से और धाकड़ की स्क्रीनिंग में वो इन पर्सन नाजिला से मिली और नाजिला से बात करके उनके काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके साथ ही अंजलि ने ये भी कहा कि दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी लगती है। अंजलि और मुनव्वर की जो जोड़ी थी वो फैंस को हालांकि बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन अंजलि का कहना ये है कि मुनव्वर फारूकी और नाजिला की जोड़ी बहुत खूबसूरत है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यारे लगते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंजलि अरोड़ा और मुनव्वर का जो मुंजलि बना था अब उसको कहीं ना कहीं लोग जो है कंपेयर कर रहे हैं मुंजिला या फिर मुंजिल से, जो कि नाजिला और मुनव्वर फारूकी का लोगों ने हैशटैग बनाया है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिलहाल अगर देखा जाए तो मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड की वजह से कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी को काफी ज्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक तो अंजलि अरोड़ा ने कभी भी ये नहीं बोला था कि नाजिला ऐसी है वैसी है, लेकिन अभी अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बड़े ही खुलकर नाजिला के बारे में बात की, नाजिला और मुनव्वर के बारे में बात की, मुनव्वर और अपने बारे में बात की और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है नाजिला, लेकिन इससे मुनव्वर और अंजलि यानी कि मेरी और मुनव्वर की दोस्ती जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि फैंस का भी कहीं ना कहीं इन बातों पर मिक्स्ड रिएक्शन है। फैंस अपनी अपनी बातें कर रहे हैं जिसमें से एक फैन ने लिखा है कि पहले मुझे लगता था कि अंजलि बुरी है, लेकिन अभी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुनव्वर फारूकी ने कहीं ना कहीं अंजलि को छोड़ दिया है, अंजलि को चीट किया है और फ्रेंडशिप में उनका साथ नहीं निभाया है, जो कि वो लॉकअप में कहते थे कि फ्रेंडशिप मैंने कमाई है, मैंने दिल जीते हैं और मैंने रिश्ते कमाए हैं, वो चीज अब लॉकअप से बाहर आने के बाद नहीं दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम बड़ी अपडेट्स दोनों को लेकर सामने आती रहती हैं। ये भी अपडेट है कि दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते। हालांकि अंजलि ने इस बात पर यह कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि जब से वो लॉकअप से बाहर आई है काफी ज्यादा इंटरव्यूज दे रही है, काफी ज्यादा वो बिजी है, इसके चलते उन्हें अपना इंस्टाग्राम चलाने का टाइम ही नहीं मिला और इसी वजह से अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं है कि आखिरकार इंस्टाग्राम पर चल क्या रहा है। जैसे ही उनको टाइम मिलता है तो वो चीजें देखेंगी, ऑब्जर्व करेंगी और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि नाजिला और अंजलि के बीच की जो ये तकरार है, जो दो लड़कियों के बीच की जो काइंड ऑफ कैट फाइट जिसको माना जा रहा था उस पर अंजलि ने एक फुल स्टॉप लगा दिया है ये कहकर कि नाजिला बेहद अच्छी लड़की है, तो इस बात पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही फिल्मी बीट को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा।